नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। दोस्तों, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमेशा यहाँ पे सुर्खियों में बना रहता है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप कुछ यहाँ पे महीनों पहले की बात करें तो लगभग था 1 लाख करोड़, और अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो आज के दिन ये ऑलमोस्ट रह चुका है 46,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ ऑलमोस्ट यहाँ पे वाइप आउट हो चुके हैं। यस दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जोमेटो की। अगर हम लोग बात करें जोमेटो की तो आज के दिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 3-3.5% की यहाँ पे तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ, अच्छी खासी आज रैली देखी गई। लेकिन अगर हम लोग पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो 1 साल में लगभग ये स्टॉक टूट चुका है 36%। अगर हम लोग पूरा लॉन्ग टर्म को देखें तो लगभग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2021 में ये स्टॉक जुलाई में मंथ में मार्केट में लिस्ट हुआ था, वहां से अगर हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे जो है 57% स्टॉक टूट चुका है। अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो 44 पे आसपास आज क्लोज हुआ। मार्केट कैप फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले तो ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ रही है, तो ऑलमोस्ट 50 जो है 4,000 करोड़ की मार्केट कैप इनकी यहाँ पे गायब हो चुकी है। इन्वेस्टर ने बहुत पैसा यहाँ पे हाथ जला है, बहुत पैसा लूज किया है। हाई देखे तो ऑलमोस्ट 88 पे है, तो हाई से अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग लो से बात करें तो लो से थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 25-30% रिकवर होते हुए हमें देखने को मिला है। अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो डेफिनेटली जिस हिसाब से आप मैंने कहा कि मार्केट कैप तो टूट चुकी है, तो उस हिसाब से स्टॉक की प्राइस भी टूटी है। ऑलमोस्ट कुछ जो यहाँ पे अगर हम लोग महीनों पहले जाए, 1 साल पहले जाए, तो लगभग 155-160 के आसपास भी स्टॉक चलता था, तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात तो कर नहीं सकते हम लोग। अगर हम लोग बात करें कंपनी के जो है डेप की, तो डेप लगभग है 142 करोड़ के आसपास। अगर हम लोग यहाँ पे इबिट देखें तो इबिट भी ऑलमोस्ट 933,344 करोड़ पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे निगेटिव ही नजर आ रहा है। चलिए करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट में अगर हम लोग इसकी प्राइस देखें तो यहाँ पे लगभग ये स्टॉक हाई की बात कर ले तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं। 168 के ऊपर भी जाते हुए हमें देखने को मिला था स्टॉक। अगर हम लोग मंथ की बात करें तो लगभग ये है नवंबर 2021 की बात चल रही है, वहां से अगर आप सोचो कि तो बहुत हद तक स्टॉक टूट चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली देखें तो कुछ भी यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया है। अगर हम लोग कंसिस्टेंटली देखें तो कंसिस्टेंटली एक जो है दायरे में चलता है, वहां से फिर से यहाँ पे गिरावट आती है। और अगर हम लोग पिछले यहाँ पे देखें 1 साल से, तो सीमित दायरे में कंपनी का कारोबार चल रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है इन्वेस्टर को जो है रिवाइवल यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली अभी की बात करें दोस्तों, तो रिसेंटली भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये स्टॉक जो है 55-50 के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां से गिर चुका है। तो यहाँ पे अगर आप क्लियर कट देखोगे तो 57 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर सकता है आने वाले दिनों में भी। तो इस प्रकार की तेजी देख के आप यहाँ पे जो है बिल्कुल भी हड़बड़ाहट के साथ यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव टाइप के निवेशक हो, बहुत ही एग्रेसिव हो आप और जोमेटो के बारे में बहुत पॉजिटिव आप सोचते हो, तो आप इस स्टॉक में उतरने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्जर्वेटिव टाइप के निवेशक हो तो क्लियर कट में उनको जो है इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न दिख रहा है तो कंसिस्टेंटली इस स्टॉक में फॉल चल रहा है, और ये फॉल कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो है नीचे ही है। कोई भी प्रकार का रिवाइवल हम लोग स्टॉक में नहीं देख रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे जो है कंजर्वेटिव टाइप के निवेशक हो तो आप यहाँ पे इस स्टॉक से दूर रहिए। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट ही करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 57 के ऊपर कम से कम 5 दिन, 5 ट्रेडिंग सेशन में मैं बात कर रहा हूँ, 5 दिन यहाँ पे स्टॉक ऊपर क्लोज होने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश एंट्री के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन अगेन मैं दोहराता हूँ, अगर आप एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर है तो ही इनमें इन्वेस्ट कीजिए आप, या फिर क्लियर कट स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस। डेफिनेटली आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए, आपका खुद का स्टडी कीजिए। ये वीडियो आप स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं, उसके बाद आपका खुद का स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इस स्टॉक के बारे में एग्जिट एग्जिट एंट्री एग्जिट के बारे में सोचिए। इसके साथ दोस्तों, आप जोमेटो के बारे में क्या सोचते हैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।